जी, मैंने जैसे बताया था, मैंने पुणे से एम ए रंगवाला डेंटल कॉलेज से किया है और मेरी डिग्री बी डी एस से, और मैं तकरीबन 15 साल से यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 15 साल से लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ 365 डेज। मेरे यहाँ सिर्फ फेस्टिवल के दिन छुट्टी होती है, बाकी के टाइम हर टाइम पे क्लिनिक ओपन ही रहती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आने वाला जो जनरेशन है, अगर किसी को बी डी एस बनना है, इस लाइन में आना है, तो उनको ये नॉलेज बताइए कि इसमें बी डी एस बनने के लिए कितने साल निकालना पड़ते हैं और कितनी फीस लगती है, कितना पैसा तकरीबन उनको खर्च करना पड़ेगा। जी, बी डी एस करने के लिए आपको तकरीबन 5 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। 12 पास करने के बाद आपको नीट की एग्ज़ाम जो क्लियर करनी हो क्लियर करनी है, उसके बाद आप बी डी एस में एंट्रेंस का एग्ज़ाम दे के एडमिशन ले सकते हैं। आपको 5 साल पढ़ाई करनी है, 5 साल में 4 साल आपको थियरी रहता है और 1 साल आपको इंटर्नशिप करना है, यानी इंटर्नशिप में आपको सिर्फ प्रैक्टिकल पेशेंट के ऊपर काम करना है। और इसकी फ़ीस आपको तकरीबन 1 साल की 2 लाख रुपीस आपकी फ़ीस है। जी, आने वाला जो जनरेशन है, उसके लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे आप? जनरेशन का यही बताना चाहूँगा कि अपने गोल और सक्सेस के लिए आपके गोल और गोल पर फोकस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका गोल पर फोकस ही नहीं है तो आप कभी सक्सेस हो नहीं सकते। गोल को सक्सेस करने के लिए आपको हार्ड वर्क और डेडिकेशन देना बहुत ज़रूरी है। जितना हार्ड वर्क और डेडिकेशन देता है, उतनी जल्दी हम सक्सेसफुल बनते हैं और हमारा जो ड्रीम है उसमें हम कामयाब रहते हैं। इसलिए अपना जो भी गोल रहेगा, या 10th ख़त्म होने के बाद या 12th ख़त्म होने के बाद, आपको उस पर फोकस करना ही है कि हमको ये फील्ड में लेना है या ये लाइन में जाना है या वो लाइन में जाना है। आपको उस पर माइंड बना ही लेना है, उसके बाद आपको उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। और ये बी डी एस में, यानी डेंटल फील्ड के अंदर भी सक्सेस काफ़ी अच्छा है। सिर्फ थोड़ा स्टार्टिंग में आपको 1-2 साल थोड़ा सा स्ट्रगल करना है, वो तो हर फील्ड में स्ट्रगल रहता है। ये एक बार स्ट्रगल फेज ख़त्म हो जाता है, उसके बाद इंशाल्लाह कामयाबी मिलती है आपको। और डॉक्टर साहब, हमारे टीच क्लिनिक के ज़रिए से कोई पेशेंट यहाँ पर इम्प्लांट कराने के लिए आता है और डेंटल सर्जरी कराने के लिए आता है, तो उसके लिए डिस्काउंट आपने कितना कहा सर? ऐसे मैंने 20% कहा है। 20% तो मिलेगा ही, अगर बड़ी सर्जरी या बड़ा रहेगा तो 30% तक भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। जज़ाकअल्लाह खैर। ये थे डॉक्टर फैज़ल शेख, जिनका हम इंटर, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अच्छी तरह से हमें इंफॉर्मेशन दिया है डेंटल सर्जरी के बारे में। और इंशाल्लाह अगले बार हम इसी तरह से इसी शख्सियत से हम मुलाकात कराने जाएंगे और आपके डिमांड के हिसाब से आपको जिस फील्ड में, जिस शख्सियत का इंटरव्यू आप चाहते हो, उसी शख्सियत का इंटरव्यू आपके लिए खिदमत में हाज़िर होंगे टीच क्लिनिक के ज़रिए से। तब तक के लिए आपके होस्ट सैयद अयाज जमादार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद।